नमस्कार। आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और मेरे हिसाब से विषय भी महत्वपूर्ण है। जो समझ में आ रहा है वो ये कि फिलहाल जो है सरकार जो है वो कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के और जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह को जो है बढ़ावा दे रही है या उसको फंड कर रही है। मेरे हिसाब से जो है जनता को और विशेष रूप से जो अलग अलग शहर हैं वहाँ पे जो जनता है उनको जो मंदिर वास्तुकला है उस पर भी निवेश करना चाहिए। मतलब कि ये कि जो बहुत ही समृद्ध वास्तुकला जो मंदिरों की हमारे सनातन धर्म में है और वो उसका आपको कुछ नमूना जो है वो दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत से लेकर के कंबोडिया इंडोनेशिया कहाँ कहाँ बाली वगैरह सब जगह दिखाई पड़ता है, तो उस तरह की वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे भी जो है वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसको मदद मिलेगी। दूसरी बात ये भी है कि जो वास्तुकला है उसको भी जो संग्रहित करने में या उसको भी जो है ठीक तरह से जो है उसको पोषित करने में जो है मदद मिलेगी। क्योंकि अभी जो है मैं मतलब मेरे दिमाग में कई बार ये बात आई कि जितने अभी मंदिर बन रहे हैं वो बिल्कुल एक एक औपचारिकता मात्र से जो है एक तो ढांचा बना करके जो है और एक ही पैटर्न पर जो है वो बन रहे हैं, जबकि ये हमारी पद्धति नहीं रही है। हमारी पद्धति ये रही है कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत और एक संदेश देने का भी जो है वास्तुकला के माध्यम से जो है काम होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल जो है इसकी आवश्यकता है, इसको बढ़ावा दिए जाने की। मैंने इस संबंध में कुछ ज्ञापन वगैरह दिया था यहाँ के कुछ अपने शहर में जो है कुछ चुने हुए नेताओं को, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर आप ही कुछ अगर एक टीम बना करके ऐसा कुछ हो मैंने सब कुछ फाइनलाइज कर दें तो फिर जो है हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, मतलब चीफ गेस्ट वगैरह। तो ये जो है मतलब कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, उनको ऐसा लगता भी नहीं है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। पता नहीं क्यों, अब राम मंदिर का मामला आप देख रहे हैं, उसके अलावा भी जो है अभी देख रहे हैं कि यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार का इतना ज़्यादा जोर है पूरा एक सर्किट बनाने पर, रामायण सर्किट बनाने पर। छत्तीसगढ़ में जो है आप देखेंगे कि राम वनगमन पथ जो है उस हिसाब से डेवलप किया जा रहा है कि एक तो टूरिस्ट जो है एक सर्किट बनेगा, उसके बावजूद भी जो है वो जो हर तरह की जो मतलब जो ग्रामीण और आदिवासी जो मंदिर वास्तुकला है वहाँ से लेकर के और जो वृहद स्तर पर जो तंजावुर वगैरह में जो बना है ना, उस स्तर की समृद्धता जो है हमारे उस समृद्धि जो है हमारे देश में है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। और मैंने जैसा बताया कि मैंने कुछ ज्ञापन वगैरह के माध्यम से जो है ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी इस माध्यम से कुछ नेताओं को, मुझे लगा कि शायद वो अपने ही भले के लिए या अपने ही प्रचार के लिए कम से कम इसको आगे तो बढ़ाएं कम से कम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रतिसाद नहीं मिला और इसीलिए जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जनता के माध्यम में जनता के बीच इसको रखने से शायद कुछ इसका लाभ मिल जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। मुझे ऐसा लगता है कि जो है जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं, जो भी आर्किटेक्ट हैं उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी जो है कहीं ना कहीं एक मैंने उनकी इच्छा से जो है जब वो पास आउट हो जाएं उसके बाद में जो है अपने कोर्स के पास आउट होने के बाद में उनको एक ऑप्शन ज़रूर दिया जाए। और ये जो है सनातन जो है कुछ परम्परा है उनको हम इस तरह से उनको ये करें, उनको आग्रह करें कि भाई आप इसका भी कुछ एक 6 महीने का साल भर का कुछ एक डिप्लोमा कोर्स ऐसा कुछ आप इसको भी ज़रूर ऑप्ट करें। और इसमें जो क्या कहने की कोशिश की गई है, क्या उसकी जो मतलब समृद्धि है या क्या इसमें जो संदेश दिए गए हैं इसको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं आपको जो है दुनिया को बताना चाहिए। पहले खुद समझ करके दुनिया को बताने की ज़रूरत है ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक वृहद काम है, एक समाज के हित का काम है। आमतौर से जो है कहीं भी सड़क के किनारे जो है छोटे छोटे मंदिर निकल आए हैं, ये परंपरा नहीं रही है हमारी। हमारी परंपरा है कि मंदिर से ही जो है पूरा समाज संचालित होता था, हर तरह के कला और विज्ञान जो है वहीं पर संचालित होते थे, है ना। जब तक हम उस तरह के प्रतिष्ठा मंदिरों को नहीं दे पाएंगे तब तक जो है मंदिर एक मंदिर जो है वो एक बाकी धर्मों के जो पूजा स्थान है उनसे उनको कंपेयर किया जाता रहेगा। और ये कंपैरिजन गलत है, ये तुलना जो है वो गलत है ना। मंदिरों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कम से कम ऐसा नहीं रहा है जैसा कि जो है दूसरे उसमें रहा है। यहाँ पर हर तरह की जो है पढ़ाई लिखाई का एक तरह की यूनिवर्सिटी
का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मंदिर ही यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ही मंदिर, है ना, इस तरह का जो है स्कूल कॉलेज और उसको जो है जोड़ने की आवश्यकता है, जो सभी तरह की कला है, कला और विज्ञान है, उसको जो है संजोने के लिए, संग्रह करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाना चाहिए। और इसके लिए आपको वृहद परिसर की आवश्यकता पड़ेगी और समाज को जोड़ना होगा, समाज को, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ कुछ अलग अलग त्यौहार आ रहे हैं तो जो है उसमें खाली आप चंदा डाल दें उसमें, है ना, जो 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 धर्म को आगे बढ़ाने का जो है पद्धति उसमें होना चाहिए। और समाज के जो आज के जो चुनौतियाँ हैं उसको निपटने का जो तरीका हो सकता है वो जो है मंदिरों को वहाँ से जोड़ना पड़ेगा, और तभी जो है फिर से जो है वो एक एक अर्थव्यवस्था का केंद्र बनेगा, एक एक धार्मिक और आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बनेगा, और इस तरह से समाज का भी भला होगा और जो हमारे सनातन संस्कृति है उसका भी भला होगा। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण विषय था और बहुत दिन से था, मैं सोच रहा था कि इसको अभी जो जो किसान आंदोलन है उस पर ही जो है कुछ कुछ बात करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो उस पर मैंने जो है कुछ बातें की। मगर कहने का मतलब ये कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको जो है जल्दी से जल्दी जो है आज के दौर में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है एक संगठन दो संगठन भी जो है इस पर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, तो इस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक या क्या किया जा सकता है इस बारे में जो है आप ज़रूर इसके बारे में शेयर करेंगे। धन्यवाद।